हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। ये 11th क्लास का लेक्चर सेकंड है। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। एक्सरसाइज 7.2 में जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की नोटेशन, फैक्टोरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए जरा इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है। द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबकी प्रोडक्ट। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू जा 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तक नेचुरल नंबर सबकी प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। जितना भी नंबर है उसके साथ फैक्टोरियल रखा है, 1 से लेकर नेचुरल नंबर वहां तक के सारे नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, दैट विल बी योर फैक्टोरियल। ओके, एक चीज और आपको याद रखनी है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो दैट विल बी 1। ओके, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है। ये आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो क्विज होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, वही मल्टीप्लाई है। देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 तक मल्टीप्लाई और बाद में 5 तक की मल्टीप्लाई। ये दोनों इक्वल ही हैं, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे। ओके, अब एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में ही आपके एग्जांपल्स एक्सरसाइज सब कवर हो जाएंगे। फर्स्ट है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। हम क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 20, 60, 120। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड एग्जांपल क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए हम 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व, 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, और ये 24 माइनस 3 टू जा 6। आंसर क्या आ गया आपका, 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो नंबर दे रखा है वहां तक नेचुरल नंबर 1 से लेकर प्रोडक्ट करनी है, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक तो तरीका है, हम 8 को लिखें 8 इंटू 7 इंटू 6 1 तक, फिर 6 को लिखें 6 5 4 3 2 1 तक, फिर 2 को भी लिखें, फिर जो कटते हैं काट दीजिए और आंसर आ जाएगा। मैं दोनों ही मेथड से बता देती हूँ। देखिए 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से 4, 7 4 जा 28। एक तो ये आंसर, एक तरीका है आपका आंसर निकालने का, ये तो छोटा था इसलिए हमने 1 तक लिख दिया। मे बी अगर ये यहाँ पे कुछ 18 फैक्टोरियल या फिर समथिंग बड़ा होता तो हम 18 तक मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, वो देखिए कैसे है।
एट फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल. बात वही है, सिक्स फैक्टोरियल तक की मल्टीप्लाई, फिर उसकी सेवन से, फिर उसकी एट से. सिक्स फैक्टोरियल को एज इट इज रखिए. टू फैक्टोरियल को लिख सकते हैं टू इंटू वन. सिक्स फैक्टोरियल को सॉल्व ना करने का रीजन क्या है, सिक्स फैक्टोरियल से सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. टू वन जा टू, टू फोर जार, आंसर क्या आ गया आपका 28. नेक्स्ट देखिए, वन अपॉन एट फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन नाइन फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन टेन फैक्टोरियल. सेम इसके भी दो मेथड हैं. आप एट को लिखेंगे एट सेवन सिक्स, फिर नाइन को भी लिखेंगे अब नाइन एट सेवन सिक्स इंटू वन, फिर टेन को लिखेंगे, फिर बोथ साइड एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू कैन सॉल्व इट. एक शॉर्ट में मेथड देखिए, वन अपॉन एट फैक्टोरियल प्लस नाइन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, नाइन इंटू एट फैक्टोरियल. टेन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल. ठीक है, आप देखिए वन अपॉन एट फैक्टोरियल दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा वन, यहां पे क्या बचा वन अपॉन नाइन. और यहां पे भी अगर वन अपॉन एट फैक्टोरियल कॉमन ले तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन नाइनटी. ओके, वन अपॉन एट फैक्टोरियल से वन अपॉन एट फैक्टोरियल कैंसिल आउट. टेकिंग एलसीएम, यहां एलसीएम लेंगे, टेन अपॉन नाइन इक्वल टू एक्स अपॉन नाइनटी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x इक्वल टू 900. x की वैल्यू क्या आ गई, 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 100. दैट विल बी योर आंसर. होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन पूछ रखा है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. क्या हम 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? वैल्यूज निकालिए. 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आई है. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 है. 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 24 120. 120 की 42 से, फाइव जीरो फोर जीरो. अब देख लीजिए, क्या हम 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ऐड करें, हमारा 5 फैक्टोरियल आ रहा है, नहीं आ रहा. हेयर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. नो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमें दी गई स्टेटमेंट गलत है. क्या कहा था कि पूछा था कि क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए. सारे ही तरीकों के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर एन इक्वल टू 6 एंड आर इक्वल टू 2. रिप्लेस कीजिए वैल्यू एन को 6 से और आर को 2 से. एन 6 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, एन 6 आर 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल. सॉल्व कीजिए, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. नीचे 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 3 एंड द आंसर विल बी 15. इसी टाइप के क्वेश्चंस थे. आपके एक्सरसाइज 7.2 आप अब इजीली कर सकते हैं. किसी सामने कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पूरे सॉल्यूशंस हैं, आप वहां यहाँ हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.